नो डाउट किसी प्रकार का संदेह नहीं नो no अनसर्टेनिटी किसी प्रकार की अनिश्चितता नहीं बेसिकली टॉपिक है जैसा आप इमेज देख पा रहे हो इसी से आपको पता लग रहा है कि सिगरेट से रिलेटेड है ठीक है जो एक स्मोकिंग पर्सन है जो स्मोक करने वाला व्यक्ति है वो स्मोक करने के बाद रिमेनिंग पार्ट जो होता है सिगरेट का उसे इन्वायरमेंट में ऐसे ही डिस्पोज कर देते हैं फेंक देते हैं ठीक है अब अगर फिल्टर लगा हुआ है उस मतलब सिगरेट में जिसे आप थोड़ा सा अच्छी सिगरेट मानते होगे मतलब पीछे थोड़ा रुई टाइप का लगा रहता है एक फिल्टर लगा रहता है जैसे फिल्टर कहते हैं हम तो वो फिल्टर लगा रहता है तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ ठीक है सिगरेट मतलब ये इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं करता होगा लेकिन उस फिल्टर के बारे में आप क्या जानो कि किस हिसाब से बना हुआ है वो बायोडिग्रेडेबल है या नहीं बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है इन्वायरमेंट में इजिली मिक्स हो जाएगा और नेचर में ही कन्वर्ट हो जाएगा बिना नेचर को हार्म

ये किसी हिसाब से हार्म करता है तो मतलब कहने का कि आज हम इस छोटे से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कि आखिर सिगरेट का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कहाँ कहाँ तक नुकसानदायक है ठीक है और ऐसा क्यों है तो वो सारी चीज़ें जो है आप इस टॉपिक में पढ़ने वाले हो तो बेसिकली टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ दो दिन से एडिटोरियल नहीं आ रहा है और आज मैं लेकर के आया क्योंकि मैं आज फ्री हो गया ठीक है तो और ये भी कोई श्योरिटी नहीं है कि कल आपका एडिटोरियल आएगा तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप वेट मत करिएगा जब भी आपको एडिटोरियल मिल जाए आप उसे पढ़ लीजिए अदरवाइज अपने लेवल से आप पढ़ाई करिए इस समय पर्टिकुलर ठीक है क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं कल आएगा या परसों आएगा कि नहीं आएगा ठीक है तो और इसीलिए नोटिस नहीं आ रहा आपका क्योंकि नोटिस हम निकाल देते हैं कितने दिन बाद एडिटोरियल आएगा या इतने दिन तक डिसकंटिन्यू रहेगा बट क्या मतलब निकालने का जब अभी कोई फिक्स ही नहीं है ठीक है तो बेसिकली जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपका मतलब वीडियो डाल दूंगा तो आप देख लीजिएगा और आप वेट मत करिए आप अपने लेवल से पढ़ाई करिए और अदरवाइज बहुत इंटरेस्टेड हैं तो पीछे की वीडियोज़ आप देख सकते हो देखना चाहो तो अदरवाइज़ अपने लेवल से पढ़िए आप ठीक है धीरे धीरे क्योंकि आपको खुद भी फाइट करने से ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा वेट करने से कोई मतलब नहीं रहेगा हो सकता है ना है, आप सारे दिन वेट करते रह जाएँ है ना तो इस चीज़ से बचिएगा और बाकी जब भी मतलब पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो डाल ही दूंगा आप उसके लिए बेफिक्र रहिए और जब भी कंटिन्यू हो जाएगा जब से तब भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा हाँ इस दिन से वीडियो आपका कंटिन्यू रहेगा ठीक है तो अभी आप मौज करिए और इसी तरह बीच बीच में जब भी आपको मिलता रहता है तो आप पढ़ते रह करिए ठीक है तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं फॉर लॉन्ग लंबे समय से फॉर लॉन्ग मतलब लंबे समय से अब यही एक इसका एक फ्रेज होता है फ्रेजल वर्ब में बता लॉन्ग फॉर ठीक है फॉर लॉन्ग तो मतलब लंबे समय से काफ़ी समय से फॉर ए लॉन्ग टाइम होता है एक आता है लॉन्ग फॉर मतलब ये फ्रेजल वर्ब होती है जहां पे लॉन्ग जो होता है वर्ब होता है फॉर प्रीपोजिशन होता है ठीक है तो लॉन्ग फॉर समथिंग का मतलब होता है क्रैव फॉर समथिंग किस चीज़ की तीव्र इच्छा रखना किस चीज़ की अभिलाषा रखना वांट फॉर समथिंग मतलब किसी चीज़ का डिज़ायर फॉर समथिंग इस प्रकार से आपका मतलब मीनिंग होता है तो लॉन्ग फॉर समथिंग मतलब डिजायर फॉर समथिंग ठीक है किसी चीज़ की तीव्र इच्छा रखना किसी चीज़ को हासिल करने की इच्छा रखना वो होता है लॉन्ग फॉर समथिंग जहां पे लॉन्ग वर्ब होती है और फॉर आपका प्रीपोजिशन होता है ठीक है इसके साइनोनेम्स जो एग्जाम में आ चुके हैं वो मैं बता दूं लॉन्ग फॉर समथिंग हो गया लॉन्ग फॉर समथिंग की का साइनोनेम होता है क्रैव फॉर समथिंग सी आर ए वी ई क्रैव फॉर समथिंग डिजायर फॉर समथिंग या फिर एक और होता है आपका ईअर्न फॉर समथिंग वाई ई ए आर एन एयरन फॉर समथिंग ठीक है ये सबका मतलब होता है डिजायर फॉर समथिंग किस चीज़ की तीव्र इच्छा रखना तो थोड़ा सा डिफरेंट है और ये जो होता है लॉन्ग ये टाइम एड ठीक है लंबे समय से मोस्ट पीपल वर अंडर द एजम्पन ज़्यादातर लोग जो थे वर थे कैसे थे अंडर द एजम्पन इस अब इस मतलब कहने का अवधारणा में जी रहे थे ऐसे ऐसा मानते थे ऐसा एजम्पन रखते थे दैट की सिगरेट फिल्टर्स आर बायोडिग्रेडेबल कि जो सिगरेट फिल्टर्स होते हैं ना ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं मतलब ईजली नेचर में मिक्स हो जाते हैं ये बिना किसी प्रकार का हार्म किए हमारे इन्वायरमेंट को ठीक है ऐसा बहुत सारे लोग अभी भी ये में थे कि बायोडिग्रेडेबल हैं आपके सिगरेट एंड सिगरेट की स्पेलिंग याद कर लीजिएगा एग्जाम में पूछी जा चुकी है ठीक है एस सिगार सिगार की स्पेलिंग सिंपल है सी आई जी ए आर और ई डबल टी ई जोड़ देना है आपको ठीक है ई टी ई बस इतना आपको जोड़ देना है ठीक है तो सिगार लिख करके फिर ई डबल टी ई जोड़ेंगे तो याद हो जाएगा अदरवाइज आप कंफ्यूज जाएंगे कि डबल ए करना है डबल आर करना है कि डबल ई e करना है कि डबल टी करना है तो आप दो फ्रैक्शन में से याद करिए पहला फ्रैक्शन सिगार और फिर उसके बाद ई डबल टी ई ठीक है तो याद आपको रहेगा और भूलेगा भी नहीं फिर भी हाउ एवर सेलोलेज एसीटेट फाइबर अब ये अभी एसीटेट फाइबर की बात कर रहा है कौन है क्या है ये द प्री डोमिनट फिल्टर मटेरियल वो जो फिल्टर मटेरियल सिगरेट के बैक एंड में लगा रहता है उसकी बात कर रहे हैं प्री डोमिनंट होता है ईजली नोटिसेबल जो कि आसानी से दिखता हो आसानी से मतलब कहने का नोटिसेबल हो और प्रभावी भी हो ठीक है तो ये प्री डोमिनट फिल्टर मटेरियल है सेलुलोज एजिडेड फाइबर डज नॉट रेडिली बायोडिग्रेड ये क्या करता है डज नॉट readily. Readily मतलब होता है तुरंत ठीक है तत्काल रूप से बायोडिग्रेड बायोडिग्रेड नहीं होता है तत्काल रूप से प्रकृति में चेंज नहीं होता मीन्स कहने का नेचर में कन्वर्ट नहीं होता डायरेक्टली इसे टाइम लगता है किस कारण से ड्यू टू दसाइटल ग्रुप्स एसाइटल ग्रुप्स के कारण ये होते क्या हैं ग्रुप्स ऑन द सेलुलोज बैकबोन सेलुलोज की बैकबोन का मतलब होता है सेलुलोज का जो मुख्य निर्माण प्रक्रिया होती है सेलुलोज जैसे बनता है तो उसकी संरचना में या उसके स्ट्रक्चर में उसके बैकबोन में क्या होता है एसाइटल ग्रुप होता है असल में अगर जो केमिस्ट्री के कुछ स्टूडेंट्स हैं तो वो जानते होंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया है ना कीटोन ग्रुप होता है इस प्रकार से मतलब कहने का पर्टिकुलर ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर देते हैं तो उसी में एसाइटल ग्रुप की बात कर रहे हैं एसाइटल ग्रुप सेलोलोज की बैकबोन में प्रेजेंट होता है जिसके कारण ये जो आपका सेलुलोज से बना हुआ सेलुलोज एसिटेट फाइबर है जिसे हम सिंपली फिल्टर मटेरियल कह देते हैं पीछे ये तो आप इसका केमिकल नेम है सेलुलोज एसीटेट फाइबर तो ये क्या होता है ये रेडिली बायोडिग्रेडेबल नहीं होता मतलब कहने का तुरंत नहीं ये चेंज होता है इसे टाइम लगता है ठीक है तो बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं हम इसी बारे में पढ़ने वाले हैं हैं कि कि लंबे समय से जो लोग हैं, वो ये रखते थे सिगरेट फिल्टर्स जो होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं लेकिन फिर भी फाइबर जिसे हम प्रौर, प्रौर, फिल्टर मटेरियल कहते हैं ये क्या होते हैं ये तुरंत बायोडिग्रेड नहीं होते हैं किस कारण से एसाइटल ग्रुप इनमें प्रेजेंट होता है इनके सेलुलोज बैकबोन में जो सेलुलोज बैकबोन होता है इनका सेलोलोज स्ट्रक्चर उसमें एसाइटल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण ये रेडिली बायोडिग्रेड नहीं होते हैं ठीक है तो आइए पढ़ते हैं कितना टाइम लगता है और क्या -कैसे इनके जो, है हैं, जो हम कर देते हैं, और कौन से प्रिकॉशन से जिनको हम अप्लाई करके और एक अच्छी स्थिति में पहुंच सकते हैं इन सब चीजों से बच सकते हैं, पढ़ते हैं. बहुत ही बड़ी मात्रा में एक्सटेंसिव को इंक्लूसिव भी कह सकते हो समावेशी जब कोई चीज बड़े दायरे में होती है तो उसमें बहुत सारी चीजों का समावेश होता है तो एक्सटेंसिव अटेंशन मतलब कहने का व्यापक मात्रा में व्यापक क्षेत्र व्यापक दायरे में अटेंशन ध्यान काफी बड़ा ध्यान हैज बीन गिवन दिया जा चुका है टू प्लास्टिक बैग्स मतलब प्लास्टिक के बैग्स को पॉलिथीन वगैरह हो गई ठीक है उनको एंड और स्ट्रॉज स्ट्रॉज होता है पर्टिकुलर प्लास्टिक वेस्ट प्रकार एक प्रकार का मतलब प्लास्टिक के ही जो अदर प्रोडक्ट्स हैं जैसे पॉलिथीन बैग हो गया ये एक हो गया ऐसे ही अदर प्रोडक्ट्स प्लास्टिक मतलब वो स्ट्राज़ कहलाते हैं जैसे कि अगर हम ड्रिंकिंग स्ट्रॉ की बात करें तो जैसे आप फ्रूटी वगैरह पीते हो तो आपको एक पाइप मिलती होगी ट्यूब प्लास्टिक की है ना तो उसे कहते हैं ड्रिंकिंग स्ट्रॉ तो इसी प्रकार के अदर मटेरियल्स जो कि प्लास्टिक से रिलेटेड होते हैं प्लास्टिक से बने होते हैं हमारे यूज़ के लिए उन्हें स्ट्रॉ कह देते हैं ठीक है तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा चुका है प्लास्टिक बैग्स पर और जो स्ट्रॉ है उस पर क्या, किस रूप में एज पॉल्यूटेंट्स प्रदूषक के रूप में पॉल्यूटेंट होते हैं जो पॉल्यूशन फैलाते हैं तो पॉल्यूशन फैलाने वाले के रूप में इन पर काफी ध्यान दिया जा चुका है कि ये पॉल्यूटेंट्स हैं तो किस चीज के पॉल्यूटेंट्स हैं पॉल्यूटेंट्स टू द इन्वायरमेंट पर्यावरण में प्रदूषण की भूमिका निभाते हैं भाई प्रदूषण भी होता है तो कहां पर प्रदूषण निभा रहा है पर्यावरण में ठीक है ना प्रदूषण निभा रहा है एंड और अ हैजार्ड टू द इकोसिस्टम हैजार्ड का मतलब होता है डेंजर और एक खतरा है टू द इकोसिस्टम हमारे पारितंत्र के लिए पर्यावरण के लिए ठीक है ना काफ़ी ज़्यादा ध्यान मतलब कहने का इस बात पर प्लास्टिक बैग्स पर और उन स्ट्रॉस जो बाकी मतलब प्लास्टिक मटेरियल्स हैं उन पर दिया जा चुका है किस रूप में एक प्रदूषक के रूप में कि ये प्रदूषक की भूमिका निभाते हैं किसके लिए पर्यावरण के लिए और क्या हैं और एक खतरा है हमारे इकोसिस्टम के लिए हमारे पारितंत्र के लिए ठीक है तो एज पॉल्यूटेंस टू द इन्वायरमेंट और एज अ हैजर्ड टू द इकोसिस्टम मतलब ये स्ट्रॉज और प्लास्टिक बैग्स क्या हैं ये पॉलिटेंस हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए और एक खतरा भी है हमारे इको के लिए हमारे पारितंत्र के लिए ठीक है ना ऐसा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अटेंशन दिया गया है काफ़ी ज़्यादा ध्यान इस पर मुद्दे पर दिया जा चुका है ऐसा कई लोगों की अवधारणा है काफी जो लोग ऐसा सोचते हैं कहने का मतलब ये है ठीक है ना एक्सटिव अटेंशन का मतलब यही हो गया कि काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं ठीक है हाव फिर भी वेरी फ्यू नो बहुत सा कम लोग जो हैं बहुत ही कम लोग अबाउट द जानते हैं क्या जानते हैं अबाउट द एडवर्स इम्पैक्ट मतलब बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट बुरा प्रभाव एडवर्स इम्पैक्ट एडवर्स वर्ब हमेशा नकारात्मक के लिए आती है ये वर्ब नहीं है सॉरी एडजेक्टिव ठीक है ना तो एडवर्स जो एडजेक्टिव है ये हमेशा नकारात्मक चीज़ों के लिए आता है एडवर्स इंपैक्ट होना है ना तो एडवर्सली इन्फ्लुएंस करना किसी पर्टिकुलर पर्सन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करना बुरे ढंग से प्रभावित करना इस प्रकार से एडवर्स जो एडजेक्टिव है बहुत इंपॉर्टेंट है बुरे के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो बैड इंपैक्ट की जगह आप एडवर्स इंपैक्ट चुनोगे ज़्यादा अच्छा माना जाएगा ठीक है तो फिर भी बहुत सारे कम लोग जो हैं अब जानते हैं क्या जानते हैं अबाउट द एडवर्स इंपैक्ट बुरे प्रभाव के बारे में ऑफ द सिगरेट फिल्टर सिगरेट फिल्टर्स के ठीक है ना स्पेलिंग बार बार देखते जाइए एडिटोरियल ये पर्टिकुलर आर्टिकल खत्म होने तक आपको स्पेलिंग याद ही हो जाएगी बस हर बार जितनी बार भी सिगरेट आए इसकी स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा ठीक है तो मतलब कहने का ये है ये सिगरेट फिल्टर्स कैसी हैं कंटेनिंग प्लास्टिक जिसमें प्लास्टिक कंटेंड है मतलब प्लास्टिक रखती हैं ऑन द हैबिटेट हैबिटेट मतलब होता है उस पर्टिकुलर प्लेस में जहां पर सक करते हैं उसको ठीक है जिसे आप मीनिंग पूरा निकालेंगे कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये प्रदूषक के रूप में है पर्यावरण में प्रदूषक और पारितंत्र में हमारे खतरे के रूप में है। फिर भी बहुत से कम लोग जो हैं बहुत ही कम लोग जो हैं वो ये जानते हैं इसके नकारात्मक प्रभावों के रूप में किसके नकारात्मक प्रभाव ऑफ सिगरेट फिल्टर सिगरेट फिल्टर्स के ठीक है ना कंटेनिंग प्लास्टिक कैसा सिगरेट फिल्टर है जो कि प्लास्टिक कंटेन करता है है ना ऑन द हैबिटेट हैबिटेट मतलब होता है पर्टिकुलर जंगली जानवरों वगैरह का निवास स्थान लेकिन यहाँ पर क्या है हैबिटेट पर्टिकुलर वो प्लेस है जहाँ पर जैसे आप रखते हो ये पर्टिकुलर जहाँ फिल्टर प्लेस होता है उसकी बातें कर रहे हैं है ना वो प्लेस ठीक है ना अप्रॉक्सीमेटली लगभग फाइव ट्रिलियन सिगरेट्स फाइव ट्रिलियन जो सिगरेट्स हैं वर् स्मोक्ड मतलब कहने का उनका यूज किया जाता है उन्हें स्मोक किया जाता है ग्लोबली वैश्विक स्तर पर

क्या स्टब एस टी यू बी स्टब इसकी स्पेलिंग होती है मैंने लास्ट में लिख रखा है उसी का सैनोनी में बट्स यहाँ पर ठीक है बट्स होता ही क्या है पर्टिकुलर सिगरेट को यूज़ करने के बाद जो उसका रिमेनिंग पार्ट बचता है जिसे कि आप फेंक देते हो को या कोई सिगरेट स्मोकिंग करने वाला पर्सन फेंक देता है तो उस रिमेनिंग पार्ट को जो क्या कहते हैं जिसका आप और यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते और यूज नहीं कर सकते उसे कहते हैं बट बी यू डबल टी होता है या फिर स्टब कह सकते हो एस टी यू बी ठीक है तो यहाँ ये कह रहे हैं सिगरेट बट्स आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एंथ्रोपोजेनिक लिटर जो सिगरेट बर्ड्स होते हैं ये बहुत ही आम रूप है बहुत ही कॉमन रूप है ऑफ किस चीज का एंथ्रोपोजेनिक एंथ्रोपोजेनिक होता है मानव जनित मनुष्य द्वारा है ना लिटर मतलब होता है कचड़ा कवाड़ एक तरह से गारबेज ठीक है तो मानव जनित जो कूड़ा है उसका बहुत ही कॉमन फॉर्म है सिगार मतलब सिगरेट बर्ड्स ठीक है मतलब कहने का ये मनुष्य के द्वारा फैलाया जाने वाला कूड़ा है एक तरह से एंड कंस्टिट्यूट और इसमें शामिल है अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन एक महत्वपूर्ण अंश ऑफ द टोटल लेटर कुल कूड़े का इन द लेटर वर्ल्ड सॉरी मतलब कहने का दुनिया भर में दुनिया भर का जो टोटल लीटर है पूरा कचड़ा है उसका बहुत ही बड़ा अंश जो है इस सिगार बट से कंस्टिट्यूट होता है मतलब ये उसमें योगदान देता है ठीक है बट लेकिन दे ऑफ एन गो अनोटिस्ड मतलब लेकिन ये जो सिगार बट्स हैं ये क्या होते हैं ऑफ एंड गो अनोटिस्ड गो अनोटिस्ड ये भी बड़ा अच्छा पैटर्न है है ना तो जैसे वेंट वायरल द इमेजेस वेंट वायरल तो मतलब जो इमेजेस है ना वो वायरल हो गई है ना तो बिकेम वायरल भी तो लिख सकते थे ना लेकिन बिकेम वायरल ना लिख करके वेंट वायरल है ना तो इट इट इज गो अन मतलब कहने अब जैसे यहां पर इन्होंने लिखा है दे ऑफ एंड गो अनोटिस्ड वह अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं है ना तो अब अननोटिस्ड लिखा है यहाँ पर तो सिंपली क्या है कि गो के बाद आप एक, एक एडजेक्टिव डाल देते हो तो गो अननोटिस्ड का मतलब पर्टिकुलर नजरअंदाज कर दिया जाना मतलब उसे नोटिस नहीं किया जा रहा है ठीक है ना सिंपली इस प्रकार से लिखना था इन्हें तो इन्होंने गो अन नोटिस लिख दिया ऐसे ही होता है गो वायरल है ना द इमेज बिकम वायरल ना लिख करके द इमेज वेंट वायरल मतलब कहने का जो फोटोज़ हैं वो वायरल हो गई इस प्रकार से आप पैटर्न में लिख सकते हो तो मतलब सिंपली ये है कि गो के बाद आपको एक एडजेक्टिव डाल देना है तो वो पर्टिकुलर आपके नाउन की विशेषता बता देगा ठीक है इतना sufficient हो जाएगा तो तो कह कहने कहने मतलब मतलब का का ये जो harm करती world जो करती हैं 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 के सारे उन सभी में एक significant proportion में एक तो वो फिर भी क्या unnoticed है, कहने का, उनको नोटिस नहीं किया जाता है अनोटिस्ड ही चली जाती हैं अकॉर्डिंग टू डब्लूच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार टिंग अगरेट बट मतलब कहने का टॉस माने उछालना होता है बेसिकली सिगरेट बट सिगरेट के बट को मतलब रिमेनिंग पार्ट को तो रिमेनिंग पार्ट को छाल देना कह दीजिए छोड़ दिया फेंक देना ऑन द ग्राउंड मतलब कहने का जमीन पर ठीक है ना तो ग्राउंड में सिगरेट बट के जो पार्ट है उसको क्या कह देना टॉस कर देना इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म्स ऑफ लिटरिंग मतलब कहने का जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल फॉर्म्स हैं लिटरिंग कूड़ा फैलाने के उनमें से एक है ठीक है ना तो वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म्स तो फॉर्म होता तो गलत हो जाता एरर का पार्ट बन जाता इसको हमें इंप्रूव करना पड़ता यहाँ पर फॉर्म्स है एब्सोल्युटली करेक्ट है ठीक है क्वेश्चन बनते हैं इसी तरह द नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ इन सब चीज़ों के बाद इस प्रकार से जब पैटर्न अ ग्रुप ऑफ है ना इस प्रकार से आता है जब तो वहाँ पर जब ऑफ से ए लगा है पहले आर्टिकल और फिर ऑफ का पैटर्न जा रहा है और मतलब किसी पर्टिकुलर समूह की बात कर रहा है तो जिन चीज़ों का समूह बनता है उन्हें प्लुरल्स फॉर्म में रखना पड़ता है ठीक है तो जैसे वन ऑफ द फॉर्म्स तो एक की बात कर रहा है लेकिन एक की बात कब करोगे जब ग्रुप में होंगी खूब सारी चीज़ें ना तो वही कह रहे हैं वन ऑफ़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म्स ठीक है forms, तो ये सब पैटर्न थे लेकिन इन पर लॉजिक लगा करके आप इन्हें याद कर सकते हो ठीक है ना तो डब्ल्यू एच ओ के अनुसार सिगरेट बट को ग्राउंड पे फेंक देना ये एक बहुत ही एक्सेप्टेबल फॉर्म्स में से एक है ठीक है ना जो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेबल है, फॉर्म्स हैं लीटर फैलाने के उनमें से एक फॉर्म है ये ठीक है ना अब ये टॉसिंग आपका सब्जेक्ट है ध्यान दीजिएगा टॉसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म तो टॉसिंग किसको उछालना अभी अपने में एक देखिए ये तो है ही तो नाउन का काम कर ही रहा है वर्ब के एनजी फॉर्म से लेकिन होता क्या है वर्ब के एनजी फॉर्म ही होता है मतलब एक 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 वर्ब 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 भी तो है, तो तो है की तरफ जब एक अपना काम करेगा तो एक वर्ब के लिए एक ऑब्जेक्ट भी आना चाहिए तो उछालना तो क्या उछालना एक सिगरेट बट को उछालना ठीक है तो ये इसका ऑब्जेक्ट सिगरेट बट है इसलिए इसके साथ जुड़ गया है लेकिन ये है तो जीरन के फॉर्म में तो इसलिए इसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आइए तो एक वर्ब की एनजी फॉर्म को आप जीरेंड में यूज करते हो तो वो नाउन जरूर होता है लेकिन अब पर ये क्या है? की तरह काम कर रहा है तो इसका ऑब्जेक्ट एक सिगरेट को उछालना ठीक है तो इसके साथ एक ऑब्जेक्ट आ गया लेकिन यह है तो जीरेंड फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आई है और उसी हिसाब से भूमिका निभा रहा है नाउन की तरह हो रहा है ठीक है ना तो ये चीज ध्यान देनी है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब आ रही है भले ही ना उनके प्लेस में तो वो अपनी वर्ब की क्वालिटी थोड़ी ना छोड़ देगी वो पर्टिकुलर प्लेस पर ना उनकी तरह वर्क कर रही है लेकिन वो है तो वर्ब ही वर्ब की एनजी फॉर्म है तो वर्ब के लिए उसकी एक अगर उसका ऑब्जेक्ट आना है तो ऑब्जेक्ट भी रखोगे आप और उसे जीरण की तरह भी आप यूज करोगे ठीक है ना तो ये मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म में से एक है इस सिगरेट को उछाल करके ग्राउंड में डाल देना है ना कैसे फॉर्म में से एक है फॉर्म्स हैं कूड़े फैलाने के कूड़ा फैलाने के बहुत सारे तरीके होते हैं तो एक ये भी है ठीक है एमोंग किनके बीच में धूम्रपान करने वालों के बीच में एंड नॉन स्मोकर्स और जो नॉन स्मोकर्स होते हैं उनके बीच में भी अक्रॉस द ग्लोब पूरी दुनिया भर में ठीक है ना अक्रॉस को भी आपने देखा अक्रॉस द रिवर पूरी नदी में है ना अक्रॉस द वर्ल्ड पूरी दुनिया में अक्रॉस द ग्लोब पूरे अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में अक्रॉस द स्टेट इस प्रकार से आप पैटर्न फॉलो कर सकते हो कोई महामारी या कोई अपेडमिक को वगैरह फैल रही है तो उसके लिए अक्रॉस पर आप लगा सकते हो जो पूरे एक तरफ से पूरे दायरे को कवर करना हो तब के लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं फॉल लॉन्ग लंबे समय से अब ये तो जो है आपने पढ़ लिया है जल्दी से पढ़ लेते हैं ठीक है ये हमने स्टार्टिंग फर्स्ट पेज में ही पढ़ा था लंबे समय से मोस्ट पीपल व अंडर द एजम्पन दैट सिगरेट फिल्टर आर बायोडिग्रेडेबल एज दे कंसिस्ट एट लीस्ट इन पार्ट ऑफ सेलोलोस एसिडेट मतलब ज़्यादातर लोग ये एजम्पन रखते हैं कि सिगरेट फिल्टर जो हैं बायोडिग्रेडेबल हैं क्यों ऐसा मानते हैं क्योंकि दे कंसिस्ट एटलीस्ट इन पार्ट ऑफ सेलोल क्योंकि वो सेलुलोज एसिटेट रखते हैं सेलुलोज है मतलब बायोडिग्रेडेबल है ठीक है ऐसा लोग मान लेते हैं विच इज जो कि इन इट अपने आप में एक नेचुरल प्रोडक्ट सेलुलोज एट जो है यह सेलोजेट अब ऑटोमेटिकली एक नेचुरल प्रोडक्ट है तो लोग ये मान लेते हैं कि भाई सेलुलोज एसिटेट से रिलेटेड ये पर्टिकुलर फिल्टर लगाया तो ये भी बायोडिग्रेडेबल होगा ठीक है ना द फैक्ट लेकिन सच्चाई हावर फिर भी इज दैट ये है द फैक्ट इज दैट सच्चाई यह है कि अब ये ध्यान दीजिए गा इस प्रकार का पैटर्न अगर R इसमें कभी आता है द फैक्ट इज और उसके बाद छोड़ दिया और आगे फिर दैट मिल रहा है आपको एक सेंटेंस में स्टार्टिंग में आप करेंट मतलब कनेक्ट कर सकते हो ये सब पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न होते हैं और लिखने के एक तरीके का लहजा एक तरह का इन सब चीज़ों का ठीक है तो इन सब चीज़ों को आपको कैच करना है और आपके पी क्यू आर इसमें बहुत हेल्प करते हैं अब कोई वहाँ पर कहे कि आपने इसको इससे क्यों अटैच कर दिया तो आप सिर्फ एक ही रीज़न दे सकते हो वहाँ पर कि भाई पढ़ने में ये सही लग रहा था इसलिए हमने जोड़ दिया और यही आंसर हो गया तो अब वो तो लॉजिक से समझ नहीं पाएगा कि पढ़ने में आपको क्यों अच्छा लग रहा था मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा तो आप सीधे से उसे बता सकते हो कि भैया लॉन्ग हैबिट्स में मतलब लॉन्ग रीडिंग्स करिए लंबे समय तक अपने आप अच्छा लगने लगेगा पता लग जाएगा कि कौन सा किससे अटैच

सच्चाई यह है कि सेलुलोज एसिडेट फाइबर अब यह क्या है अब उसके लिए एडजेक्टिव फ्रेज डाला सेलुलोज एसिटेट फाइबर कैसा फाइबर यूज एज अ प्री डोमिनेंट फिल्टर मटेरियल जिसको अधिकतर प्रीडोमिनेट मतलब ईजली नोटिसेबल एक फिल्टर मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है तो ये सेलुलोज एसिटेट फाइबर क्या है आसानी से फिल्टर मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला सेलुलोज एसिडेट फाइबर ठीक है ये एसिटेट फाइबर क्या है डो नॉट रेडली बायोडिग्रेड मतलब जल्दी ही मतलब कहने का तुरंत जो है बायोडिग्रेड नहीं होता है तो इसके लिए हेल्पिंग वब आई ये ठीक है मतलब ये जो फाइबर्स हैं ये आसानी से बायोडिग्रेड नहीं होते हैं डू नॉट रेडली चूंकि फाइबर्स आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे ठीक है ना सेलोलोज एसिडेट के फाइबर्स तो पर्टिकुलर ये प्लूरल है इसलिए आपका डू नॉट आया है तो आप कन्फ्यूजन यही हो जाती है कि हम इस वाले को वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडिफिनिट समझ करके और इन दोनों कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं इकट्ठा और मीनिंग फिर कहीं समझ में लिंक ही नहीं होता अब आप ही समझिए सेलोलोज एसिडेट

मतलब वर्ब हो गई तो सेलुलोज एसिटेट फाइबर जिसे प्रोडोमिनेटली फिल्टर मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है ये तुरंत बायोडिग्रेड नहीं होते हैं क्यों नहीं होते हैं ड्यू टू द एसाइटल ग्रुप एसाइटल ग्रुप्स के कारण ऑन द सेलुलोज बैकबोन ये तो आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में ठीक है सेलुलोज बैकबोन में एसाइटल ग्रुप्स के कारण ये जल्दी से बायोडिग्रेड नहीं होते हैं विच इट सेल्फ जो कि अपने अपने आप में सेलुलोज बैकबोन क्या है इसके बारे में बता रहे हैं विच इट सेल्फ जो अपने आप में कैन बी डिग्रेडेड मतलब आसानी से मतलब कैन बी डिग्रेडेड उसे डिग्रेड किया जा सकता है बाय वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इम्प्लॉइंग सेलुलोज मतलब कहने का विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म सूक्ष्म जीव होते हैं माइक्रो ऑर्गेजम्स होते हैं इम्प्लॉइंग सेलोलेजेज इम्प्लॉइंग मतलब होता है यूज इन एक तरह से प्रयोग किए जाते हैं सेलोलेजेस में तो वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेजम्स के द्वारा ये अपने आप में डिग्रेड होता है ये पूरा पुर, मतलब एक तरह से बायोलॉजिकल मैथड है जिसे बताना चाह रहे हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म सेलुलोज मतलब जो बना होता है उसी से ये डिग्रेड होता है तो उनकी बात ये कर रहे हैं पर्टिकुलर सेलुलोज़ बैकबोन के लिए इट मे एक्चुअली टेक एज लॉन्ग एज टेन टू फिफ्टीन इयर्स टू डिकम्पोज अब आप समझिए कि जो आपका बट होता है ये पर्टिकुलर सेल सिगरेट बट uh, जो सिगरेट के लास्ट का जो रिमेनिंग पार्ट होता है ये बट क्या करते हैं एक्चुअली टेक एज लॉन्ग एज टेन टू फिफ्टीन ईयर्स टू डिकम्पोज दस से पंद्रह साल इन्हें लग जाता है डिकम्पोज होने में ठीक है और वैसी जगह पर अगर आप इन्हें फेंक दें जहाँ पर इनका डिग्रेडेशन भी ना हो पाए तो फिर सोचिए कितना हार्मफुल हो जाता है ठीक है इन मैनी केसेस ज़्यादातर मामलों में दीज बट्स आर डंप्ड रैकलेसली रैकलेसली मतलब केयरलेसली ठीक है ना ये जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं इन्हें डम्बड इन्हें फेंक दिया जाता है लापरवाही के साथ ऑन पेवमेंट्स पेवमेंट माने होता है फुटपाथ वगैरह ठीक है फुटपाथ वगैरह पे ऐसा रास्ता जहाँ पर आप साइड साइड टहल रहे हो तो जो टहलने के लिए साइड में नहीं होता रोड के उसे पेवमेंट कहते हैं तो आप फुटपाथ कह दीजिए इसे ठीक है फुटपाथ में लापरवाही से इन्हें फेंक दिया जाता है और ड्रॉप्ड इनटू या फिर डाल दिया जाता है गटर्स में ठीक है ना एंड इन द मेजॉरिटी ऑफ केसेज और ज़्यादातर मामलों में इवेंचुअली मतलब फाइनली अंतिम रूप से मेक देयर वे टू वाटर बॉडीज ये अपना रास्ता कहाँ बनाते हैं मेक देयर वे टू वाटर बॉडीज ये पानी के जो तंत्र हैं उनकी सहायता से आगे बढ़ जाते हैं इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं आपके लेक्स रिवर्स एंड ओशन तो इन सब चीजों से वाटर बॉडीज से वो फाइनली फ्लो हो जाते हैं ठीक है दीज बर्ड्स फर्दर ब्रेक डाउन इंटू वेरी हार्मुल माइक्रो प्लास्टिक्स ये बर्ड्स जो होते हैं ये और आगे फिर टूट जाते हैं विखंडित हो जाते हैं इंटू वेरी हार्मुल माइक्रो प्लास्टिक बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स में जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं स्टडीज हैल्सो फाउंड दैट मतलब कि अध्ययन में ये भी पाया गया है दैट की आर्सैनिक निकोटीन पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड हैवी मेटल्स आर आल्सो रिलीज्ड बाय सिगरेट बर्ड्स इन द इन्वायरमेंट ऐसा अध्ययन में पाया जा चुका है कि आर्सेनिक हो गया आपका निकोटीन होता है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनस हो गए आपके कार्बनिंग फैमिली कार्बन फैमिली के एंड हैवी मेटल्स और भारी कुछ जो मेटल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं आर आल्सो रिलीज्ड इनको भी रिलीज किया जाता है बाय सिगरेट्स मतलब सिगरेट्स के द्वारा सिगरेट बर्ड्स के द्वारा इन द एनवायरमेंट पर्यावरण में ठीक है द हु फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल मतलब कहने का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसका एक पार्ट है इसका कोई इंस्टीट्यूशनल पार्ट हो सकता है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल जिसे शॉर्ट में इन्होंने एफ कहा है ठीक है तो डब्ल्यू का जो एफ है वो क्या करता है कॉल्स फॉर रेगुलेशन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स टंबैकू उत्पादों के जो कंटेंट्स हैं क्या चीज़ें उनमें इन्ग्रीडियंट के रूप में शामिल की गई हैं मतलब कहने का उनकी बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी जी से मिलकर टोबैको प्रोडक्ट्स बने हैं तो टोबैको प्रोडक्ट्स के कंटेंट्स को लेकर के रेगुलेशंस कुछ दिया दिशा निर्देशों की मांग की है डब्ल्यू एच ओ एफ सी टी सी ने ठीक है ना और क्या करता है ये एंड ऑब्लीगेट्स ऑब्लीगेट्स मतलब होता है जिम्मेदारी देता है मतलब कहने का दूसरे व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बनाता है ऑब्लीगेट्स पार्टीज मतलब कहने का देशों की यहाँ पे बात पर्टिकुलर कर लीजिए डब्ल्यूएचओ में क्या कंट्रीज ही तो शामिल होते हैं ना तो पार्टीज मतलब उन्हीं से है ठीक है ना ऑब्लीगेट करता है पार्टीज को टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट कि वो पर्यावरण को सुरक्षित रखें एंड पीपल्स हेल्थ और लोगों के स्वास्थ्य को भी इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर जो कृषि से रिलेटेड है मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोग हैं है ना उनके स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखें एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स और टोबैको प्रोडक्ट्स की जो निर्माण प्रक्रिया है इसको भी मतलब पर्यावर इससे इसको भी पर्यावरण से मतलब कहने का ठीक ठाक रखें कि पर्यावरण को इससे हार्म ना हो पर्यावरण को सुरक्षित रखे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स से भी ठीक है ना तो डब्ल्यू ने जो डब्ल्यू का एफ है इसने मांग की है कुछ दिशा निर्देशों की कुछ रेगुलेशन की किसको लेकर के टोबैको प्रोडक्ट्स के कंटेंट्स को लेकर के कुछ दिशा निर्देशों की मांग की है और ये पार्टीज़ को भी ऑब्लिगेट करता है इनको जिम्मेदारी देता है कि वो पर्यावरण को सुरक्षित रखें और लोगों के स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखें मतलब एग्रीकल्चर के संबंध में और साथ में टोबैको प्रोडक्ट्स जो का मैन्युफैक्चर हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उन सभी चीज़ों से लोगों के स्वास्थ्य को और पर्यावरण को सुरक्षित रखें ये कहने का मतलब है तो ऑब्लीगेट्स आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी आई एस इसी तरह डब्ल्यू एच ओ एफ सी टी सी के लिए आया है तो यहाँ कॉल्स फॉर समथिंग आया है और एंड के बाद फिर ऑब्लिगेट्स पार्टीज तो यहाँ पर कुल मिला के वेब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी आई एस पैरेलल कंस्ट्रक्शन से फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस सी आई एस दोनों ही किसके लिए एंड डब्ल्यू एच ओ एफ सी टी सी के लिए ही आए हैं क्योंकि यही सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है दोनों वर्ब में ठीक है आगे बढ़ते हैं इट आल्सो कंपल्स इट मतलब डब्ल्यू एच ओ का एफ सी टी सी कंपल्स बाधित करता है पार्टीज़ को टू consider कि वो विचार करें टेकिंग legislative एक्शन मतलब कहने का कानूनी कार्यवाही करने पर भी विचार करें टू एड्रेस द इशू मतलब कहने का मुद्दों से मुद्दों को संबोधित करने के लिए मुद्दों से निपटने के लिए कैसे मुद्दे ऑफ इंडस्ट्री लियाबिलिटी इंडस्ट्रीब औद्योगिक रूप से जो liability मतलब जिम्मेदारी होती है उनको लेकर के फॉर द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टुम्बैको यूज़ तंबाकू प्रयोग के जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंस हैं एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं मतलब नकारात्मक जो परिणाम आए हैं उनको लेकर के उद्योगों की जो जिम्मेदारी है उसके मुद्दे को संबोधित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का मतलब कहने का सहारा ले सिंपल भाषा में आप एक कीजिए कि तो का प्रयोग होता है तो उसके कुछ नकारात्मक परिणाम निकल के आते हैं ठीक है और जो भी नकारात्मक परिणाम है एडवर्स कंसिक्वेंसेज हैं उनकी जिम्मेदारी इंडस्ट्रीज को दी जाए कि जो इंडस्ट्रीज इनका उत्पादन कर रही है वो इंडस्ट्री ही इसके लिए लियाबल हो उसी के लिए जिम्मेदार हो इस प्रकार के मुद्दे को एड्रेस करने उसको सुलझाने के लिए अगर कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़े लेजिस्लेटिव एक्शन भी लेना पड़े तो इसके लिए पार्टीज़ को कंपेल किया जाना चाहिए तो ये जो डब्ल्यू एच ओ है यही करता है ये कंपेल करता है पार्टीज़ को कि वो विचार करे कानूनी कार्यवाही करने में भी अगर मुद्दों से निपटना पड़े कैसे मुद्दे इंडस्ट्री लियाबिलिटी से रिलेटेड और लियाबिलिटी किस बात की फॉर द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ टोबैको यूज टोबैको यूज़ के बुरे परिणामों की लियाबिलिटी इंडस्ट्रीज़ को दी जाए और ऐसे मुद्दों में अगर इंडस्ट्री थोड़ा आनाकानी कर रही हैं तो ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए लेजिस्लेटिव एक्शन को भी विचार किया जाए ठीक है एस डब्ल्यू एच ओ ने मतलब कंपेल किया है पार्टीज को इंडिया इज ए सैनिट्री टू द ट्रीटी सिंस टू और इस प्रकार के जो पार्टीज की बात कर रहे हैं ना तो अलग अलग देश की बात होगी इसमें तो भारत क्या है ना भारत एक सिग्नेटरी का मतलब होता है हस्ताक्षर करता पर्टिकुलर कोई एग्रीमेंट होता है तो उसमें जो जो व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है उस एग्रीमेंट में उसे सिग्नेटरी कहते हैं वो हस्ताक्षर करता हो जाता है तो भारत भी एक हस्ताक्षर करता रहा है टू द ट्रीटी इस मतलब इस ट्रीटी का इस समझौते का सिंस टू थाउजेंड फोर दो हजार चार से ठीक है तो भारत भी दो हजार चार से इसका इसका हस्ताक्षर बना है ठीक है तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिंस आया टाइम आ रहा है और यहाँ पर इंडिया इज तो बी वर्ब यूज कर दी है जो कि प्रेजेंटिविट का, का साइन बताती है तो आप यहां प्रेजेंट चूज है ना तो यहां been इंडिया हैज फिर मतलब यहां पे या होगा, तो, तो है नहीं आपका ये वर्ब है तो यहां पर बीन आ रहा है है ठीक तो आप परफेक्ट ले लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट इंडिया to टू treaty सिंस 2004 तब सही होगा तो यहां पर यह इस जो है एरर का पार्ट होगा तो एग्जाम में अगर कभी आता है सिंस या फॉर से टाइम इंडिकेट कर रखा है तो आपको वहाँ पर प्रेजेंट मतलब किसी भी चीज का हो तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से ही जाना है है ना इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूस नहीं ले सकते आप गलत हो जाता है इंडेफिनिट आपका क्या है जनरल चीजों का यू बताता है यूज मतलब कहने का हैबिचुअल फैक्ट्स वगैरह जो होते हैं वो प्रेजेंट निट वगैरह से आते हैं ठीक है कंटिन्यूस तो कंटिन्यू होने की बात करता है तो आपको परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस से ही जाना पड़ेगा अगर सिंस या फॉर से टाइम वगैरह जुड़ा है तो ठीक है तो बहुत कॉमन चीज है एरर के रूप में बहुत पूछी जाती है गिवन ध्यान दें दीज ऑब्लीगेशन ऑब्लिगेशन माने बाध्यताओं को इन सारे नियमों एवं बाध्यताओं को हम अगर ध्यान दें ऊपर जो बताई गई हैं डब्ल्यूएचओ के द्वारा कि क्या क्या वो करता है तो इमिडिएट अटेंशन टू टोबैको प्रोडक्ट वेस्ट कंटेमिनेशन इज नीडेड तो तत्काल ध्यान किस चीज़ पर टू टोबैको प्रोडक्ट वेस्ट कंटामिनेशन टबैको उत्पाद के उत्पादों में जो वेस्ट कंटामिनेशन है वेस्ट का कंटामिनेशन होता है प्रदूषण पर्टिकुलर पॉलिटेड पॉल्यूटेंट्स एक तरह से आप कह सकते हो ठीक है लेकिन कंटामिनेशन का एक मतलब होता है एडल्ट्रेशन मिलावट भी होता है ठीक है तंबाकू उत्पादों के जो वेस्ट है उसमें वेस्ट की मिलावट एक तरह से नकारात्मक चीज़ों की मिलावट इस पर तत्काल रूप से ध्यान देने की क्या है ज नीडेड आवश्यकता है ठीक है इमीडिएट अटेंशन इज नीडेड तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है अटेंशन टू समथिंग होता है प्रीपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अटेंशन का पे अटेंशन टू समथिंग पे हिट टू समथिंग ठीक है प्रीपोजिशन बहुत बार पूछा जा चुका है अटेंशन फॉर कर देगा गलत हो जाएगा ठीक है तो इमीडिएट अटेंशन किस में टू टोबैको प्रोडक्ट वेस्ट कंटामिनेशन तो जो लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे उनको पता होगा कि अटेंशन का प्रिपोजिशन कितना पूछा जा, जा चुका है ठीक है आगे पढ़ते हैं fortunately, सौभाग्य so से इंडिया हैज़ been टेकिंग द legislative ली लेजिस्टिव रूट टू रिस्ट्रेन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ स्मोकलेस टोबैको प्रोडक्ट्स लाइक गुटका टोबैको एंड पान मसाला फ्राम यूजिंग प्लास्टिक मटेरियल्स इन दैचेट्स अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स टू देखिए सौभाग्य से भारत जो है, हैज़ बिन टेकिंग द लेजिस्लेटिव रूट वो कानूनी रास्ता अपना चुका है अपना रहा है टू रिस्ट्रेन रोकने के लिए मैन्युफैक्चर्स निर्माणकर्ताओं को ऑफ स्मोकलेस टोबैको प्रोडक्ट्स स्मोक मतलब धुआं विहीन जो तंबाकू उत्पाद हैं उसके निर्माणकर्ताओं को रोकने के लिए अब देखिए रिस्ट्रेन होता है ना तो रिस्ट्रेन का पैटर्न क्या होता है बडी फ्रॉम डूइंग समथिंग रिस्ट्रेन सम्बडी फ्रॉम डूइंग समथिंग स्टॉम स्टॉप सम्बड़ी फ्रॉम डूइंग समथिंग किसी व्यक्ति को कोई काम करने से रोकना यही पैटर्न होता है तो आप देखिए किस चीज को तो रिस्ट्रेन रोक रहे हैं किस चीज को रोक रहे हैं मैन्यूफैक्चरर्स ऑफ स्मोकलेस टोबैको प्रोडक्ट्स निर्माणकर्ताओं निर्माणकर्माण करता कैसे हैं तो एड्जेक्टिव फ्रेस पोजिशन से डाला निर्माण है धुआं विहीन तंबाकू उत्पादनों के निर्माणकर्ता ठीक है ना अब ये तंबाकू उत्पाद कैसे हैं तो एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने लाइक जैसे गुटखा टोबैको पान मसाला ठीक है तो ये पूरा का पूरा यहाँ

रिस्ट्रेन समबड़ी या समथिंग फ्राम समथिंग तो किसी चीज को कोई काम होने से रोकना तो हम तो समथिंग लगा देते हैं लेकिन वो समथिंग कितना बड़ा हो सकता है आप देख सकते हो यहां से लेकर के यहां तक भी हो सकता है और फिर आप यहां से इसको जोड़ लो अब यहां पर प्रिपोजिशन और कुछ डाल देता है तो आप क्या पहचान पाओगे तो आप तभी पहचान पाओगे जब आप इसको अलग अलग सेपरेट करना जान पाओगे और इसके लिए आपको लॉन्ग रीडिंग सेपरेटली अपने से करना चाहिए तभी हो पाएगा ठीक है तो रिस्ट्रेन फ्राम यूजिंग प्लास्टिक मटेरियल्स प्लास्टिक मटेरियल्स को प्रयोग करने से रोकना इन द सेचेट सैचेट्स होता है पुड़िया टाइप की छोटा सा पैकेट आप गुटखा वगैरह का जो आता है जो मतलब छोटा सा पैकेट जैसे शैम्पू का हो गया ठीक है और कोई मटेरियल ऐसा जिसमें कि छोटा से पैकेट में ही सब कुछ कोई तेल आता है छोटे से पाउच में तो पाउच होता है एक तरह से सैचेट ठीक है ना जिसमें कोई मटेरियल आप पैक करके दे सकते तो शैम्पू हो सकता है आपका गुटका हो सकता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें सैचेट्स के अंदर आती आती हैं ठीक है तो फ्रॉम यूजिंग प्लास्टिक मटेरियल्स ये प्लास्टिक मटेरियल का प्रयोग करने से रोकना इन द सैचेट्स मतलब पाउचेज में अंडर द अब ये सब किस तरह से किसके तहत रोका जाएगा अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 थाउजेंड दो हजार सोलह के जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं उनके दायरे में ला करके इनको रोका जाएगा किस लिए टू टैकल द प्रॉब्लम समस्या से निपटने के लिए समस्या है कैसी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट की समस्या है तो इस प्रकार से ये प्रिपोजिशन से जोड़ते रहते हैं जोड़ते रहते हैं और मतलब या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से वर्ब कि आई फॉर्म से जोड़ करके एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में सेंटेंस को बड़ा कर देते हैं तो पूरा मीनिंग आप एक बार देख लीजिए फिर आगे पढ़ते हैं सौभाग्य से भारत क्या कर रहा है भारत कानूनी प्रक्रियाएं अपना रहा है कानूनी रास्ते अपना रहा है मैन्युफैक्चरर्स को रोकने के लिए अब मैन्युफैक्चरर्स कैसे हमने पढ़ लिया था इन मैनुफैक्चर्स को रोकने के लिए कानूनी प्रक्रियाएं भारत अपना रहा है अब ये किस चीज से रोकना है इन्हें प्लास्टिक मटेरियल्स का प्रयोग ये न, ना कर पाएं अपने छोटे छोटे पाउचेज में इससे रोकने के लिए अपनाया रहा है अपनी प्रक्रिया ठीक है, है अब ये रोकना क्यों चाह रहा है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत रोकना चाह रहा है किस लिए रोकना चाह रहा है टैकल करने के लिए प्लास्टिक वेस्ट की समस्या को ठीक है ना हाउ फिर भी सिगरेट्स बर्ड्स जो सिगरेट बर्ड्स होती हैं हैव स्केप्ड द रेगुलेशं वो इस रेगुलेशन के दायरे में नहीं है ठीक है जो ये रेगुलेशन मतलब क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें ये सिगरेट बर्ड्स नहीं आ रही हैं जिसे आपसे ये अप्लाई कर रहा है इंडिया ठीक है एंड हैव नॉट बीन इन द लाइम लाइट लाइम इन द लाइमलाइट होता है टू द सेंटर ऑफ सम अटेंशन मतलब ध्यान आकर्षण का केंद्र तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि इस सिगरेट बट जो है इस रेगुलेशन regulation, इन रेगुलेशंस के दायरे में नहीं आती हैं और साथ में ये क्या है हैव नॉट बीन इन द लाइम लाइट मतलब कहने का आकर्षण का केंद्र भी नहीं है मतलब ये प्रदूषण का एक जो मुद्दे होते हैं उनमें कोई भी आकर्षण इन चीज़ों में नहीं समझ में आता है ड्यू टू किस लिए ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस क्योंकि साक्ष्यों का अभाव है ना कोई साक्ष्य होने के कारण ये लाइम लाइट में नहीं है ये सुर्खियों में एक तरह से आकर्षण का केंद्र नहीं बनी हुई हैं लैक ऑफ एविडेंस किस चीज़ की ऑफ द एडवर्स इंपैक्ट इसके नकारात्मक प्रभाव के बोथ दोनों ही तरह से नेशनली और ग्लोबली ना ही राष्ट्रीय स्तर पर और ना ही वैश्विक स्तर पर ना राष्ट्रीय स्तर पर ना वैश्विक स्तर पर इसके नकारात्मक प्रभाव का कोई भी साक्ष्य होने पर मतलब कोई भी साक्ष्य का अभाव होने पर ये बिल्कुल भी आकर्षण का केंद्र नहीं बना हुआ है और सारे रेगुलेशन से बच जाती है ये सिगरेट बर्ड्स ठीक है ना अब आप देखेंगे यहां इंपॉर्टेंट चीज बोथ ए एंड बी का पैटर्न होता है तो यहां पे ए की जगह एक एडवर्ब आया तो बी की जगह दूसरा एडवर्ब आ गया ठीक है तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह कि एक जगह नेशनल कर देता और दूसरी जगह ग्लोबली कर देता तो गलत हो जाता सेम मतलब कहने का सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपको डालनी है तो डालोगे तभी डालोगे ठीक है तो यहां पर अगर आपने एडवर्ब डाला तो यहां पर भी एडवर्ब डालना है ग्लोबल एक एडजेक्टिव एल वाई लगाया तो एडवर्ब यहां पर भी नेशनल एक एडजेक्टिव नेशनली एडवर्ब हो गया ठीक है और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बोथ के बाद हमेशा एंड फॉलो होता है एज वेल एज लगा करके गलत गलत बनाने का प्रयास किया जाता है बोथ नेशनली एज वेल एज ग्लोबली तो गलत बोथ नेशनली एंड ग्लोबली तब करेक्ट ठीक है तो बोथ ए एंड बी होता है ना कि एज वेल एज बी और एज वेल एज ही आता है ज्यादातर आपको चूज करने के लिए और भी डाल देगा बोथ ए और बी तो गलत हो जाएगा आपका ठीक है एंड ही डालना है और कुछ नहीं डालना आपको ठीक है There may बी सम लो हैंगिंग फ्रूट लो हैंगिंग फ्रूट क्या होता है आप इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे समझ जाएंगे ईजली अचीवेबल थिंग मतलब कहने का लो हैंगिंग फ्रूट क्या होता है जो कि पेड़ में नीचे लटके हुए होते हैं तो उन्हें क्या आसानी से आप पकड़ लेते हो तो लो हैंगिंग फ्रूट का मतलब वही हो गया आसानी से हासिल काम होने वाला कोई मतलब मंजिल या फिर आसानी से प्राप्त किए जाने वाला कोई उद्देश्य ठीक है या फिर आसानी से प्राप्त की जाने वाली कोई चीज ठीक है देयर मे बी सम लो हैंगिंग फ्रूट कुछ ईजिली अचीवेबल टास्क हो सकते हैं जिनकी संभावना है दैट कुड बी ऑप्टेंट जिनको प्राप्त किया जा सकता है ठीक है टोबैको इंडस्ट्रीज कुड बी मेड अकाउंटेबल फॉर द फंडिंग अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन्स अगेंस्ट बर्ड्स जो तम्बाकू उद्योग है उनको जिम्मेदार ठहराया जाए उनको जवाब दे दिया किया जाए फॉर फंडिंग अवेयरनेस मतलब कहने का पैसा देने के लिए किस किसके लिए अवेयरनेस रेजिंग कैंपेंस अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन का मतलब होता है जागरूकता फैलाने वाले जो अभियान हैं उनकी फंडिंग करने के लिए टोबैको इंडस्ट्रीज़ को जवाबदेह किया जा सकता है उनको अकाउंटेबल उनको जिम्मेदार बनाया जा सकता है ठीक है अब किसके खिलाफ ये अवेयरनेस का रेजिंग कैंपेन्स चलाने हैं अगेंस्ट बर्ड्स बर्ड्स के खिलाफ मतलब पर्टिकुलर जो रिमेनिंग सिगरेट पार्ट है उसके खिलाफ ठीक है आगे बढ़ते हैं एडिक्वेट पब्लिक एस्टेज and waste collection units could be established. पर्याप्त रूप से पब्लिक एस्टेज एस्टेज होता है पर्टिकुलर आपने देखा होगा कि कई लोग क्या होते छोटा सा डिब्बा रखे रहते हैं उसी में जो है अपनी सिगरेट जो है कोंच देते हैं और फेंकते नहीं है उसे कहीं है ना तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है ऐसे ही कितने लोग होते हैं बान वान खाते हैं गुटका उठका तो अपने थूकने के लिए मतलब कहने का एक ठू अलग रखे रहते हैं ट्रे टाइप की तो एस्ट्रे में होता है जिसमें आप सिर्फ सिगरेट बीड़ी वगैरह जो है उसमें डाल सकते हो और कहीं ऐसे ही ना फेंक दो रैंडमली ठीक है तो पर्याप्त रूप से पब्लिक एस्टेज और वेस्ट कलेक्शन यूनिट्स कुटैब्लिश जिनको स्थापित किया जा सकता है they could be liable to add labels. अब दे कुड बी लेबल टू एड जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उनकी बात कर रहे हैं दे कुड बी लेबल ये जिम्मेदार हो सकती हैं टू एड लेबल कि वो अपने उसमें प्रोडक्ट्स में लेबल लगा दें मतलब लेबल चिपका दें टू द पैकेट्स मतलब पैकेट्स में ऑफ फिल्टर्ड सिगरेट जो कि फिल्टर्ड सिगरेट्स हैं उनके फिल्टर्ड सिगरेट्स के पैकेट्स में वो लेबल चिपका दे इतना तो वो जिम्मेदार हो ही सकती हैं कैसे लेबल्स स्टेटिंग दैट ये कहते हुए कि दे कंटेन इन्वायरमेंट डैमेजिंग प्लास्टिक एंड सो ऑन कि वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले डैमेजिंग प्लास्टिक को कंटेन करते हैं एंड सो ऑन और इसी प्रकार की इस प्रकार की कोई भी नोटिस कि वो पर्यावरण को नुकसान करते हैं या ऐसा कुछ और लिख करके वो एक लेबल चिपका दे इतना तो किया जा सकता है तो ये काम हो सकते हैं ठीक है तो ये जो आर्टिकल था जिसके माध्यम से काफ़ी चीज़ें मतलब अवेयरनेस के रूप में जो पर, मतलब पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को एटलीस्ट वो तो जान ही पाए और वो उनके से जो रिलेटिव होंगे उनको भी वो मतलब कहने का ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कितना हार्म होता है तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये टॉपिक लिखा गया था तो ये लिखने वाले हैं प्रोफेसर रवि मेहरोत्रा जो कि हैं एट द आई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च में ठीक है ना और डॉक्टर प्रशांत के सिंह भी हैं जो कि हु डब्ल्यू एच ग्लोबल नॉलेज हब ऑन स्मोकलेस टोबैको इन नोएडा में कार्यरत हैं ठीक है तो इन्होंने ये टॉपिक लिखा है और आपको बताने का प्रयास किया है तो अब हम पढ़ते हैं वर्ड्स जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे नो इफ्स एंड बर्ड्स का मतलब होता है विदाउट एक्सक्यूजेस कंप्रोमाइजेज सर्टेन अनसर्टेनिटी ठीक है मतलब कहने का एक तरह से बिना किसी बहाने के बिना किसी समझौते के ठीक है ना मतलब कहने का जो होना है वही हो और अनसर्टेनिटी बिना किसी अनिश्चितता के ठीक है ना हर बिल्कुल क्लियर कट कोई किंतु परंतु कोई बहाना ना लेना ठीक है ये कहने का मतलब एग्जाम्पल देख लेंगे क्लीन योर रूम इमिडिएटली अपने रूम को तत्काल रूप से साफ करो नो इफ्स एंड बर्ड्स कोई किंतु परंतु कोई मतलब बहानेबाजी मत करो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो प्रीडामेंट का मतलब मतलब होता है मोस्ट ऑब्वियस नोटिसेबल बहुत ही स्पष्ट और आसानी से समझ में आने वाला नोटिसेबल हो उसे कहते हैं ठीक है बट का मतलब होता है द पार्ट ऑफ अ सिगरेट और सिगार दैट इज लेफ्ट आफ्टर इट हैज बीन स्मोक्ड मतलब किसी पर्टिकुलर सिगरेट या सिगार को स्मोक करने के बाद जो उसका बचा हुआ अंश होता है अवशेष होता है उसे हम कहते हैं बट बी यू डबल टी इसे हम स्टब के रूप में एग्जाम में फॉलो कर मतलब जान चुके हैं स्टब जो है एग्जाम के रूप में आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में ठीक है ना तो बट भी आ सकता है इसलिए याद कर लीजिएगा लिंक कर लीजिएगा इसे एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ऑरिजिनेटिंग इन ह्यूमन एक्टिविटीज मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न होने वाला मानव जनित सकते हो आप इसे ठीक है ना हिंदी मिस हो गया मैं लिख तो आप यहां पर मानव जनित इसे पढ़ सकते हो। रेकलेस होता है पॉसिबल रिजल्ट ऑफ योर एक्शन और आपने कार्यों के लिए जो आप कार्य करते हो उसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं और खतरा जो फैल सकता है उस चीज से उसके लिए एक अभाव दिखा रहा है अगर सावधानी का तो वो रेकलेस पर्सन होता है तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी है इसको केयरलेसनेस कहते हैं रेकलेस कह सकते हो आप ठीक है रैश भी इसका एक साइनोनीम होता है लापरवाही एक तरह से ठीक है रैश ये एडजेक्टिव के फॉर्म में होगा तो केयरलेस की तरह समझ में आएगा लेकिन रैश जब नाउन होता है आर एस एच नाउन के फॉर्म में तो वो जैसे लाल लाल दाने निकल आते हैं बॉडी में रैशेज जिसे आप कहते हो वो रैश नाउन होता है और ये एडजेक्टिव के फॉर्म में होता है तो इसका मतलब होता है केयरलेस ठीक है तो थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान दीजिएगा पेमेंट्स होता है फुटपाथ ठीक है जो चलने का रास्ता होता है मार्ग कह सकते हो आप सैचेट होता है क्लोज प्लास्टिक और पेपर पैकेज दैट कंटेन्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड और पाउडर मतलब कहने का कोई लिक्विड या पाउडर आप छोटा सा किसी पर्टिकुलर छोटे छोटे पैकेट में डाल दो तो उस क्लोज्ड प्लास्टिक और पेपर के पैकेट को कहते हैं सैचेट ठीक है sachet, ना तो सैचेट ये होता है कि छोटी मोटी पुड़िया कह सकते हो पाउच कह सकते हो आप इसे हिंदी में ठीक है ना टू बी इन द लाइम का मतलब होता है द सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन जनता के आकर्षण का केंद्र जनता के ध्यान का केंद्र जो होता है वो होता है टू बी इन द लाइम मतलब लाइम में होना मतलब जनता के आकर्षण के केंद्र के बीच में होना मतलब सब पर आप मतलब कहने का सबकी निगाहें आप पर हो उस स्थिति में होना ठीक है ना तो यहां पर जो पर्टिकुलर ज्यादातर वर्ड्स हैं जैसे ये आपका एडियम में आ सकता है ठीक है ना बाकी सेचेड ये वर्ड हो गया आपका और ये रेकलेस ने तो रेकलेस तो है आपका वन वर्ड उसमें एंटोनिम सेनोनियम्स में एंटोनीम आ चुका है ठीक है बाकी ये जो है सेचेड ये आपका वन वर्ड ऑफ में ही आएगा अगर आएगा तो बाकी उसकी चांसेस नहीं है बट भी वन वर्ड ऑफ में ही आ सकता है ठीक है और ये आपका प्रीडामेंट हो गया और रेकलेस ये एंटोनिम सेनोनियम्स में पूछे जा चुके हैं मतलब कहने का तो इन्हें याद रखिएगा आप आगे पढ़ते हैं लो हैंगिंग फ्रूट ये आपका जो है इडियम्स uh, में आ सकता है तो इसलिए आप इसे याद रखिएगा इजली अचीव्ड मीजर और टास्क आसानी से जिसे प्राप्त किया जा चुका हो या प्राप्त किया जा सके और ऐसा कोई कार्य या ऐसा कोई उपाय उसे हम कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट ठीक है ना एस्ट्रे ये भी वन वर्ड शब्द ट्यूशन में ही आएगा अगर आएगा तो अ कंटेनर इन टू विच पीपल हु स्मोक पुट एश सिगरेट एंड एट्सेट्रा जो लोग सिगरेट मतलब कहने का स्मोक करते हैं वो अपना जो रिमेनिंग पार्ट है सिगरेट वगैरह का वो जिस कंटेनर में डालते हैं उसे एस्ट्रे कहते हैं ठीक है तो ये शब्द से ही समझ में आ रहा है एश की ट्रे राख वाली जो ट्रे होती है उसे एस्ट्रे कह देते हैं ठीक है तो बहुत ही कॉमन है तो ये थे कुछ वर्ड्स आई होप आपके लिए हेल्पफुल होंगे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है आप ऐसे थोड़े वर्ड्स जो है अपने डिक्शनरी में ऐड करते रहिए पढ़ते रहिए तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुड बाय थैंक यू वेरी मच